सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सिरोही फार्मिंग में। तो भाइयों, हम आपके नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो इस बार भाइयों, हम जो आपके लिए वीडियो लाए हैं वो लाए हैं रटून मैनेजर, जो कि गन्ना कटाई का काम करता है, उधर ताऊ चला रहे हैं, और इसकी जानकारी हम वीडियो में देंगे। आगे बने रहें आप। तो भाइयों, जो ये खेत है हमारा, ये हमने जैसे बारिश से पहले काट दिया था, फिर बारिश आ गई तो ये हमारा थोड़ा सा पार्ट जो है इसका रह गया था, तो इसे हम आज काट रहे हैं। तो वीडियो में हम इसे आज कवर करेंगे और आपको इसकी जानकारी भी देंगे और इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताएंगे। तो भाइयों, आइए चलते हैं रटून मैनेजर की। तो भाइयों, देख सकते हैं आप ट्रैक्टर जो हमारा है रटून मैनेजर, ये आ चुका है। तो देख सकते हैं भाइयों, इसमें जो है यहाँ से PTO के द्वारा चलता है, और इसमें जो है यहाँ ब्लेड है, इससे एक जो मतलब इसे काटता है, जो पोगे हैं ये जो बाहर आ रही हैं जड़ इनकी। तो इसमें दो तवे दिए हुए हैं आगे, जिससे कि ये आगे, जैसे ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, जिससे कि शार्प करता चाहिए आगे, मतलब इसे मिट्टी को जो है काट दे साइड से, जो नीचे गेर दे मतलब। और पीछे इसमें जो है ये खुरपे दिए हैं टीलर के, जिससे कि मतलब ये इसे मिट्टी को जो साइड से आ रही है उसे नीचे करता रहे। और भाइयों, देख सकते हैं काफ़ी ही मजबूत जुगाड़ और हैवी ड्यूटी में जो है ये हैगा रटून मैनेजर। और इधर टायर भी दिए हुए हैं, जिससे कि आप मतलब इसे नीचे करके एक साइड लेवल में चला सकें। तो PTO द्वारा चलता है भाइयों, और इसकी जानकारी हम आपको हमारे अपने ताऊ जी से भी दिवाएंगे कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है किसान को। तो आइए भाइयों, तो ताऊ जी एक बात बताइए, जो इसका किसान को फ़ायदा क्या है, जो रटून मैनेजर मतलब किसान इसे क्यों काटे? इसे ऊपर से इसकी कटिंग होकर इसकी जो जैसे जो मोलता है उससे क्या है, जो गन्ना इस पर दोबारा मिट्टी चढ़ेगी तो वो गिर नहीं पाता, उसका इतना बेनिफिट है। और भाई एक सार होकर जो घास होती है वो हमारी नीचे कट जा, इनमें जुताई खुदाई भी कम होती है, ये इसका फ़ायदा है। और इसका कोई जैसे मतलब नुकसान भी, जैसे हर चीज़ का कोई फ़ायदा नुकसान, कोई इसका नुकसान आपको लगा जैसे? इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, यह सही है। तो भाइयों, हम भी इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो ताऊ जी, आप इसे कौन से गियर में चलाएंगे किसान भाइयों ये बताइए? इसे लो के तीसरे गियर में। और रेस कितनी रखेंगे RPM? रेस करीब जो है 10 के करीब। तो भाइयों, अब दिखाते हैं हम इसका आपको। तो भाइयों, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके, कितनी साफ तरीके से जो है ये काट रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी क्लीनिंग फिनिशिंग के साथ। तो देख सकते हैं भाइयों, इसका काफ़ी फ़ायदा है। यो जो घास है ना, यो जब जो हल्का फुल्का आ रहा था, जैसे आप इधर देख सकते हैं इस साइड के कटी नहीं है, देख सकते हैं जो ये घास है ये सब कट के नीचे, और देखो ये ब्यांत भी कितना कम हो रहा है इसमें, देखो एक का कोया नहीं कट रहा यो। और इस साइड देखो, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पहले काट दिया था वो देखते हैं यो। तो भाइयों, जो ये खेत है ये 4 दिन पहले बारिश से पहले कट गया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो है मोल रहा है, देख सकते हैं एक एक में तीन तीन चार चार ऐसे आ रही हैं मतलब। तो इससे ब्यांत भी काफ़ी अच्छा होगा आता है, और जो फंगस है ना, जैसे जब गन्ना कटता है तो जो फंगस आता है ऊपर, वो भी इससे कट के सब बिल्कुल नीचे से क्लीन होकर आते हैं एकदम गन्ना। तो भाइयों, एक बार हम और आपको इसे नज़दीक से दिखाते हैं कि जो आगे से साइड से है, मतलब ये तवे किस टाइप से वर्क कर रहे हैं इसका। तो भाइयों, इसकी सेटिंग भी जो है वो काफ़ी बहुत देर में झक मार के हुई है, क्योंकि हमने जो पहली बारी जो है ये टंच का 10 BA गन्ना बोया था, तो फर्स्ट टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर अब जो है हम इसे कटिंग करके देख रहे हैं कि किस टाइप से मतलब ये क्या परफॉर्मेंस, क्या अच्छा रहेगा भी या नहीं। तो आपको मैंने उधर भी दिखाया, ब्यांत भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका कुछ फ़ायदा सा ही लगा हमें। तो आप आगे देख सकते हैं भाइयों, जो इसके ब्लेड हैं मतलब जो तवे हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं भाइयों आप, ये देख सकते हैं भाइयों, आगे तवे हैं बिल्कुल साफ तरीके से, सारी मट्टी है ना उसे बिल्कुल एक तरफ दर्रे बीच में, जो बीच में जब मट्टी चढ़ाते हैं ना तो नीचे आ जाता है, गहर हो जाती है, तो उसमें जो है मट्टी भर जाएगी। और 1000 RPM पर ट्रैक्टर चल रहा है बिल्कुल तीसरे के लो में, कोई लोड नहीं कुछ नहीं,
ट्रैक्टर भाई हमारा महिंद्रा 595 है, आप देख भी सकते हैं DI टर्बो, जो कि हमारी काफ़ी वीडियो में YouTube पर जो पड़ी है उनमें भी दिखाया हुआ है, रूटर पे भी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है ट्रैक्टर की। भाइयों बात करते हैं इस रेटून मैनेजर की, तो भाइयों जो ये रेटून मैनेजर है ये हमारा नहीं है, क्योंकि हमने जो है मैंने आपको वीडियो में बताया है कि ये जो टंच का जो गन्ना है 10 बीघा, हमने पहली बार इसका बोके देखा है, मतलब भाई क्या परफॉर्मेंस आती है, अच्छा भी है ख़राब है, वो तजुर्बा किसान भाइयों जब भी होता है कि जब आदमी कोई किसी चीज़ को करके देख ले, क्यों बिना उसके कुछ नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं कि वो 100 का निकल रहा 150 का निकल रहा, अब नू कहने में कुछ नहीं है, तो हमने वो 10 बीघे इसी वजह से कि करके देखा कि वो ठीक भी है नहीं। तो भाइयों जो है हम, वो मॉडल तो उन्होंने बताया, प्राइस हमने उनसे पूछी नहीं जिनका वो है, तो भाइयों 2020 मॉडल है जो ये लाए थे रेटून मैनेजर, तो हम भी इसे चेक करने के लाए अपना गन्ना काटने के लिए। तो भाइयों हम क्या नाम है इसका जो प्राइस है वो पूछकर डिस्क्रिप्शन में बताने की कोशिश करेंगे। जो भाइयों और कुछ जानकारी इसकी चाहिए वो भाई हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई ट्रंच का गन्ना अच्छा है या इससे फ़ायदा है नहीं, चैनल पे आगे भी हमारी इसकी वीडियो आती रहेंगी। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं और अगली नई वीडियो में।